हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ दो हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज दिसानो ब्रांड के हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिन्हें आप अपने रेगुलर डाइट में शामिल कर अपने खाने को बना सकते हैं और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बनाना बताऊँगी ओट्स पोहा, जो नॉर्मल पोहे से कहीं ज़्यादा हेल्दी होगा। ओट्स पोहा बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दिसानो के ओट्स, जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल घटाता है और यदि आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये वेट लॉस करने में भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो ये 2 कप मैंने ओट्स लिए हैं। अब इन ओट्स पर हम थोड़ा सा ऐसे पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये आपस में काफ़ी ज़्यादा चिपक जाएंगे और हमारे ओट्स पोहा हैं वो ज़्यादा खिले खिले नहीं बनेंगे। तो इस तरह हल्का सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब इन्हें हम कवर करके रख देते हैं ताकि ये और भी अच्छे सॉफ्ट और खिले खिले हो जाएं। तब तक हम कुछ सब्जियां कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जियों में मैं ले रही हूँ 1 आलू, 2 प्याज, कुछ ग्रीन बीन्स मैंने लिए हैं, 1 गाजर मैं ले रही हूँ, 1 छोटे साइज की शिमला मिर्च और 2 हरी मिर्च ली हैं। तो सबसे पहले हम ये प्याज कट कर लेते हैं। सारी सब्जियों को हम थोड़ा बारीक ही काट कर लेंगे ताकि इन्हें पकाना भी आसान रहे और ये खाने में भी अच्छी लगे। ओट्स पोहा के अंदर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए हरी मिर्च आप अपने तीखेपन के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आलू डालना यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। बीन्स को मैं बाकी सब्जियों के बजाय थोड़ा सा बारीक कर रही हूँ क्योंकि ये पकने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लेती हैं। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जियाँ इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं या जो सब्जी सीजन में अवेलेबल है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ हमने काट करके तैयार कर ली हैं। तो अब लेते हैं हम एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल। तेल के गर्म होते ही सबसे पहले इसके अंदर 1/4 कप मूंगफली डालकर मूंगफली को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो मूंगफली जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब हम इन्हें साइड में निकाल देंगे ताकि इनका क्रिस्पीनेस पोहों के अंदर बरकरार रहे। हम इन्हें लास्ट में ऐड करने वाले हैं। तो मूंगफली काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं तो एक बाउल में हम इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन्हें अब साइड में रख देते हैं। अब कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे सबसे पहले 1 छोटा चम्मच राई या सरसों। सरसों को थोड़ा सा तड़कने देते हैं और फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा और राई जब अच्छे से पक जाएं तब इसके अंदर 10 से 12 करी पत्ता डालकर इन्हें भी कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से पक जाएं तब इसके अंदर हम सबसे पहले प्याज और हरी मिर्च डालकर इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए और हरी मिर्च का अच्छा फ्लेवर आ जाए तब तक हम इन्हें पका लेंगे। प्याज के साथ साथ यदि आप चाहें तो इस स्टेज पर आप इसमें क्रश कीवी अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको उसका टेस्ट पसंद है। तो प्याज को हमने 1-1.5 मिनट पका लिया है। तो बची हुई सब्जियां आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ी साइज की गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है, आलू लिए हैं और बीन्स लिए हैं। तो आप कोई भी सीजनल सब्जियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। पोहों को आप बिना सब्जियों के भी बना सकते हैं, लेकिन यदि सब्जियाँ ऐड करते हैं तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं 1/4 कप ताज़ा हरे मटर इस्तेमाल कर रही हूँ तो इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि सब्जियों में खुद का काफ़ी सारा पानी होता है और हम गैस का फ्लेम लो करते हुए इसी स्टीम के अंदर यानी जो सब्जियों में पानी निकले का उसे स्टीम से ये सब्जियां भी पक जाएंगी, तो अलग से हमें पानी वगैरह डालना नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब ये जो सब्जियां हैं वो ट्रांसपेरेंट हो गई है, थोड़ा सा हमें इसे और पकाना है। तो इस स्टेज पर इसमें चुटकी भर हल्दी भी ऐड कर लेते हैं तो इसका अच्छा कलर भी आ जाएगा और हल्दी भी पक जाएगी। हल्दी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और दोबारा सब्जियों को अच्छा सॉफ्ट होने तक हम और पका लेते हैं। अब सब्जियों का कलर आप देख सकते हैं कि काफ़ी चेंज हो गया है, अब ये पकी हुई लग रही हैं। चाहे तो आप इस तरह किसी भी सब्जी के पीस को ऐसे तोड़कर दे सकते हैं। तो देखिए आलू बहुत ही आसानी से कट हो रहा है, गाजर भी काफ़ी आसानी से कट हो रही है, यानी सब्जियां काफ़ी अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब इनके अंदर हम ये ओट्स भी ऐड कर लेते हैं जिन्हें हमने हल्का सा पानी डालकर पहले ही थोड़ा सा भिगो दिया था। तो ये भी काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं और देखिए काफ़ी ये खिले खिले भी हो गए हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं। ओट्स को सब्जियों के साथ काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब्जियों के साथ ओट्स को भी हम 2-3 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि ओट्स खाने में कच्चे नहीं लगें और अच्छा फ्लेवर इनमें आ जाए। तो कढ़ाई को दोबारा हम कवर कर देंगे। 2 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे।
तो अब ये जो ओट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से खिले खिले हो गए हैं। तो इसमें लास्ट में हम डालेंगे एक बड़े नींबू का रस, इससे बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्ट आएगा इन ओट्स पोहों में। साथ ही जो मूंगफली हमने रोस्ट करके रखी है वो भी ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर हम डाल देते हैं खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा चटपटे, खिले खिले, हेल्दी और टेस्टी ओट्स पोहा बनकर तैयार हैं। तो चलिए इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो आप भी जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करें, और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं एक और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी के साथ। हेल्दी सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 केले लिए हैं। सबसे पहले केलों को कट कर लेते हैं। तो केलों को मैं इस तरह से तिरछा काट रही हूँ, इससे इनकी लंबी स्लाइस हमें मिलेगी। तो इस तरह से लंबा काट लें, और जो इनकी मोटाई है वो भी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, मीडियम थिक हमें इन्हें रखना है। इन सैंडविच को बनाने के लिए मैंने केलों का इस्तेमाल किया है। यदि आप केले खाना पसंद नहीं करते हैं, केले नहीं खाते हैं, तो आप इसमें सेब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर सेब और केले दोनों को मिलाकर भी ये सैंडविच बना सकते हैं। अब जब हम सैंडविच को ग्रिल करेंगे तो जो ब्रेड होती है वो तो पक जाती है, लेकिन अंदर की जो स्टफिंग होती है वो नहीं पकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन केलों को पहले ही पका लेंगे। तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सैंडविच में, क्योंकि यदि सीधे ही हमने ये केले लगा दिए ब्रेड पर तो फिर वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं देते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक पैन, और पैन को गर्म कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1-2 चम्मच पीसी हुई चीनी। पीसी हुई चीनी इसलिए ले रही हूँ ताकि इजीली मेल्ट हो जाए, आप चाहें तो साबुत चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर पानी डाल देते हैं ताकि इजीली मेल्ट हो जाए, और आप चाहें तो नॉर्मल चीनी के बजाय ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इजीली ये मेल्ट हो जाती है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें ताकि जो चीनी है वो जले नहीं। तो ये देखिए धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। चीनी को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगी। अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, सारा पानी इसने रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे चुटकी भर दालचीनी का पाउडर, यानी कि सिनेमन पाउडर, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होता है, और केलों के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन नॉर्मली बच्चों को हो सकता है ये फ्लेवर पसंद ना आए, तो इसके लिए आप दालचीनी की जगह डाल सकते हैं इलायची का पाउडर, या दोनों फ्लेवर्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और दालचीनी के पाउडर को भी बस मिक्स ही करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और अब इसके अंदर डाल लेते हैं ये कटे हुए केले, और इन्हें भी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो सिरप हमने बनाकर तैयार किया है केलों पर अच्छे से कोट हो जाएगा, और जो केले हैं वो थोड़े कैरमलाइज हो जाएंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो यदि आप सेब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेब इस स्टेज पर डालकर उन्हें भी थोड़ा कैरमलाइज कर लें ताकि अच्छा टेस्ट आए। नॉर्मली हम बच्चों को ब्रेड के ऊपर जैम वगैरह लगा कर देते हैं, जो हम जानते हैं कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। तो उसके बजाय आप इस तरह से एक बार सैंडविच ज़रूर बना के दें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो यहाँ पर केलों को हमने अच्छा कैरमलाइज कर लिया है, तो आप देखने से ही पता लगा सकते हैं कि केले थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इन्हें इतना ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये एकदम मैश हो जाएंगे। तो अब हम ले लेते हैं ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है इन्हें हेल्दी बनाने के लिए, आप चाहें तो नॉर्मल वाइट ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन सैंडविच में और भी अच्छा टेस्ट लाने के लिए हम यूज़ करेंगे पीनट बटर। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करी हूँ दिसानो का पीनट बटर, और पीनट बटर खाने में जितना टेस्टी होता है उतना ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो ये 1-1 चम्मच पीनट बटर हम सारी ब्रेड स्लाइस के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। तो इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें, और यहाँ पर मैंने क्रंची वाला पीनट बटर लिया है, जो बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस लाता है, जिससे खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब जो केले हमने कैरमलाइज करके रखे हैं वो भी इनके ऊपर फैला लेते हैं। तो केलों की मात्रा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। और अब ये जो एक ब्रेड की स्लाइस है वो इनके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। अब ब्रेड को ऊपर हम थोड़े से तेल, बटर या फिर घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो ब्रेड है वो अच्छी क्रिस्पी हो जाए। साथ ही जो सैंडविच मेकर हम लेंगे उसे भी तेल, घी या बटर से ग्रीस कर लेते हैं, तो इससे नीचे की लेयर भी क्रिस्पी हो जाएगी। अब ये 1-1 सैंडविच हम इस सैंडविच मेकर में रखते जाएंगे और इन्हें ग्रिल कर लेंगे। और आप चाहें तो इन्हें इस तरह सैंडविच मेकर में ना बनाकर तवे पर भी पका सकते हैं।
तो इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए हम ग्रिल कर लेते हैं। सैंडविच पककर तैयार हैं, बहुत ही अच्छा इनका कलर आ गया है। तो एक एक करके ये सैंडविच हम बाहर निकाल लेते हैं और एक सैंडविच मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो बहुत ही अच्छी ये क्रिस्पी हो गई हैं, बहुत ही इजीली ये कट रही हैं। तो ऊपर से अच्छी क्रिस्पी हो गई हैं, अंदर से बढ़िया कैरेमलाइज केलों की जो स्टफिंग है और साथ में पीनट बटर का टेस्ट इन्हें और भी ज़्यादा लाजवाब बनाता है। तो नॉर्मली आलू वगैरह की सैंडविच तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन वो सैंडविच हम डेली नहीं खा सकते हैं। तो आप इन सैंडविच को डेली बनाकर अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है। तो आप भी ज़रूर से ये हेल्दी और टेस्टी सैंडविच बनाएँ, और कैसे बने मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।